मेरा एक ख्वाब था जो मेरा पूरा होने जा रहा है, कत्ती गली का ट्रैक। एकदम का लग सुना है, बहुत मुश्किल ट्रैक है ये। मेरे ख्याल में हमारे कुछ बाइकर्स भाई हैं जिनकी यहाँ पे आके बस हुई पड़ी है। मैंने अपने नीचे एक ट्यूब रखी हुई थी बैठने के लिए ताकि जंप कम से कम लगे, उसका तो कबाड़ा हो गया है। ये देखें जी, फट गई है ये तो बिल्कुल ही। मेरे तमाम यूट्यूब के दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख है 5 अगस्त 2023। मैं हूँ नीलम वैली आज़ाद जम्मू कश्मीर में और दवारियाँ से एडवेंचर टूर करने लगा हूँ। दवारियाँ टूरती गली, और ये मेरा टूर जो है वो फुल एडवेंचरल इसलिए होने लगा है क्योंकि ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि अक्सर लोग तो वापस आ जाते हैं, कुछ लोग पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं पहुँचते, और जो लोग भी जाते हैं वहाँ पे वो उनके पास बाइक जो होती है ना वो कम से कम 150 सीसी होती है, जबकि मेरे पास जो है 125 सीसी यामा की बाइक है। तो मेरा टारगेट तो इंशाल्लाह है कि मैं रत्ती गली के बेस कैंप तक पहुँचूँ और मुझे वापसी का रास्ता इख्तियार ना करना पड़े रास्ते में ही। तो इंशाल्लाह पहुँच कर दिखाऊँगा। हिम्मत और हौसले के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि ट्रैक जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और ये शुरू का रास्ता जो है ये तो तकरीबन बना हुआ है, रोड बना हुआ है, तो इसके आगे जाके देखते हैं कि क्या सूरत नज़र आती है हमें। सुबहान लाजी सखर लाना हाजा वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन माइन्ना इला रब्बिना लहु मुनकलिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन लोगों को मैंने देखा है रत्ती गली जाते हुए वो कहते हैं कि बड़ा जिगर करके बाइक चलानी पड़ती है। पहली मैंने 2-3 चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं तो ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हो गए हैं। दवारियाँ की बनिस्बत यहाँ मौसम काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया है और आज मेरा एक ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है, रत्ती गली का ट्रैक। ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इस ट्रैक को बाइक पर करूँ क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंशाल्लाह अपने इस ख्वाब को भी पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह ताला। यही रास्ता जाता है ना रत्ती गली को, मेहरबानी शुक्रिया। मेरे ख्याल में यहाँ से कच्चा रास्ता जो है ना वो शुरू हो जाता है ऑफ रोड। ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा है और पत्थर भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, और जो पक्का रोड बना हुआ था वो पीछे ख़त्म हो चुका है, तो इससे आगे ऑफ रोड ही होगा। तो देखते हैं आगे क्या सूरत हाल नज़र आती है। मैं फ़िलहाल तो ये आसान सी चढ़ाइयाँ और आसान सीधा सीधा रास्ता एक नॉर्मली ऑफ रोड है। ये जीप मेरे ख्याल में रत्ती गली से वापस आ रही है। वो सामने मुझे एक पुल नज़र आ रहा है, इस पुल को क्रॉस करने के बाद जो है ना सामने रास्ते के ऊपर मुझे
चढ़ाइयाँ भी पहले के बनिस्बत कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये मेरे ख्याल में हमारे कुछ बाइकर्स भाई हैं जिनकी यहाँ पे आके बस हुई पड़ी है। इन्होंने तो अपनी बाइक पे सामान भी बहुत ज़्यादा लोड किया हुआ है और ये इस वक्त यहाँ पे खड़े होकर यही मेरे ख्याल में मशवरा कर रहे हैं कि आगे जाना है या पीछे वापस जाना है। तो मेरे ख्याल में ये वापस ही जाएंगे जो इनके हालात हैं। और ये कुछ भाई मुझे पैदल जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह हिम्मत है इनकी भी। देखिए अब ये पैदल पहुँच पाते हैं या नहीं। वो मेरे सामने एक जीप जा रही है, ये दो भाई और भी पैदल जा रहे हैं। माशाल्लाह यार ये पैदल जाने का भी रिवाज अच्छा है। यहाँ पे आके फिर रोड जो है थोड़ा सा बना हुआ है, तकरीबन कारपेट रोड जैसा ही है। तो ये बना हुआ रोड है, पक्का रोड है। गाड़ी का तो काफ़ी ज़ोर लग रहा है, आप इसके धुएँ से अंदाज़ा लगा लें कितना ज़ोर लग रहा है गाड़ी का, धुआँ फेंक रही है पीछे। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है और ये ठंडी हवा के झोंके दिमाग को तरोताज़ा कर रहे हैं। माशाल्लाह रोड की एक साइड पे दरिया का पानी बह रहा है और दूसरी साइड पे पहाड़ हैं। तो माशाल्लाह छोटे छोटे कॉटेज भी बने हुए हैं। यहाँ की हर चीज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि दिल कर रहा है हर चीज़ को एक एक जगह पर रुक के रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन क्योंकि टाइम सिर्फ एक दिन का ही है, मैंने जाना भी है, वापस भी आना है, रत्ती गली ऊपर भी जाना है, हाइक करनी है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना एक एक चीज़ रिकॉर्ड करने वाली है। यहाँ से फिर कच्चा रास्ता शुरू हो रहा है और मेरे ख्याल में यहाँ से पक्का पक्का ही ऑफ रोड शुरू होने वाला है। यहाँ पे आके बड़े बड़े पत्थरों वाला रास्ता शुरू हो गया है। ये देखें नीचे कितने पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े, और बाइक की देखें क्या हालत हो रही है। चले कैमरे की तो स्टेबलाइजेशन अच्छी है, इस वजह से वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, और लेकिन बाइक की हालत मेरे से संभाली नहीं जा रही है। और बहुत ही ज़्यादा पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि मैं इस दफ़ा के रोड पर पहली दफ़ा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इस तरह के रोड पर सफ़र कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी मुश्किल है। वो पीछे एक आल्टो गाड़ी खड़ी भी आपको शायद नज़र आई होगी, तो वो गाड़ी की यहाँ तक ही लिमिट है जहाँ पे वो खड़ी हुई है, उससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ये देखें पानी भी आया हुआ, पत्थर पानी, सामने जीप की भी ब्रेक लग गई है, वो देखें। ओए हो यार बहुत मुश्किल ट्रैक होने वाला ये तो।
चले देखते हैं, चलते तो हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा और हिम्मत और हौसले के साथ इंशाल्लाह ताला। ने देखा जीप वाले का भी पूरा पूरा फोकस रोड के ऊपर ही है, वो पूरी कोशिश कर रहा है जीप को निकालने की। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ क्योंकि वो जीप को चढ़ लेने दो, फिर बाद में अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। तो ये जीप तो चढ़ गई है, वो देखें चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, तो रोड भी स्लिपी है। तो चलें अब मैं शुरू करता हूँ, चढ़ता हूँ ऊपर। चढ़ जा ऊपर, चढ़ जा, वापस मत आना, वापस आ रही है बाइक, चढ़ जा यार ऊपर। फंस गए, कहाँ पर फंस गए यार, बाइक की ब्रेक लग गई है, ये देखें। चढ़ जा, ये चढ़ने में कामयाब हो गई है। बहुत मुश्किल चढ़ाई थी यार, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई थी ये तो। मेरे ख्याल में जब भी आप सियाहत पर निकलते हैं रास्ते में इतने ज़्यादा पत्थर हैं कि मैंने बाइक के आगे जो अपना टैंक बैग रखा हुआ है ना, वो बार बार पीछे हट के आ रहा था, तो उसको बार बार सेटिंग भी करनी पड़ रही थी, इतना ज़्यादा पत्थरों वाला रास्ता है ये। मैंने अपने नीचे सीट की जगह पे एक
रिक्शे के पिछले टायर की ट्यूब लेके उसमें हवा भर के हल्की सी रखी हुई थी, वो फट गई है। तो ये इस वजह से रखते हैं ताकि जंप जो है ना कम से कम लगे। देखें जिसका तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो गया है, ये फट गई है बिल्कुल ही। इसको अब उतार के यहीं पे फेंकना पड़ेगा, ये तो अब किसी काम की रही नहीं है। अगला सफ़र ट्यूब के बगैर ही करना पड़ेगा। हालांकि हवा का प्रेशर इसमें बस उतना ही था कि ना ये सिर्फ नॉर्मली जंप को कवर कर सके, ज़्यादा हवा नहीं थी, लेकिन ये फिर भी समझ नहीं आई मुझे कैसे फट गई है, जंप ही इतने ज़्यादा थे। ट्यूब को उतारने के बाद अपने अगले सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से। रत्ती गली ट्रैक के पहले हिस्से को तकरीबन मैंने मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त तक मेरी हालत अपनी भी ख़राब हो गई है और जो मेरी बाइक है वो भी फुल गर्म हो चुकी है। तो अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अपनी इस एपिसोड का अख्ताम करते हैं। अगली एपिसोड में आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि इससे अगला हिस्सा हमने किस तरह तय करना है।